हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज इफ एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ लाइंग बिटवीन स्मॉल एम टू कैपिटल एम एंड फाई इज कॉन्टिन्यूस ऑन दिस इंटरवल, लेट एच जो फंक्शन है दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ फाई सर्कल एफ वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी देन एच बिलोंग्स टू आर अल्फा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. इसमें क्या दे रखा है कि फंक्शन एफ जो है वो आर अल्फा से बिलोंग कर रहा है, मीन्स डिमॉन्स्ट्रेबल इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और जो एफ है उसके बाउंड्स ले रखे हैं स्मॉल एम और कैपिटल एम बाउंड्स हैं फंक्शन एफ के. फाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन दिस इंटरवल स्मॉल एम टू कैपिटल एम, इस इंटरवल पे फंक्शन फाई कॉन्टिन्यूस है. तो आपको क्या दिखाना है, जो एच फंक्शन है, एच फंक्शन क्या है, यहाँ कंपोजिट है फाई और एफ का, मीन्स फाई सर्कल एफ है जहाँ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी का पॉइंट है. तो आपको क्या दिखाना है कि जो ये कंपोजिट फंक्शन है वो भी आपका क्या होगा, आर अल्फा से बिलोंग करेगा, जहाँ एफ आर अल्फा से बिलोंग कर रहा है और फाई आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. तो देखो प्रूफ, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो पी गिवन सिंस फाई इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड फाई जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस है क्लोज बाउंडेड इंटरवल पे. तो आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल देन इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन दैट इंटरवल. तो फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया फाई. अगर फाई आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करो. कि क्या डेफिनेशन लगाएंगे हम, कि फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मोड फाई ऑफ एस माइनस फाई ऑफ टी इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड एस माइनस टी इज लेस देन डेल्टा फॉर एस एंड टी बिलोंग्स टू स्मॉल एम, इंटरवल जो है वो स्मॉल एम कैपिटल एम आपका इंटरवल चल रहा है. नाउ सिंस एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा, एफ आपका आर अल्फा से बिलोंग कर रहा है, सो देयर एग्जिस्ट पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, रिजल्ट लगा रहे हैं आर अल्फा का, सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन की जगह यहां हमने डेल्टा स्क्वायर चूज किया हुआ है. लेट स्मॉल एम आई एंड कैपिटल एम आई बी बाउंड्स ऑफ फंक्शन एफ ऑन आईएथ सब इंटरवल. ये हमने अज्यूम किया है क्योंकि फंक्शन एफ आपका जो था वो आर अल्फा से बिलोंग कर रहा है, रिमांस्ट्रेबल इंटीग्रेबल है, तो हम रिजल्ट यूज करेंगे इसलिए हमने इसके बाउंड्स कंसिडर किए. और स्मॉल एम आई स्टार और कैपिटल एम आई स्टार जो है वो बाउंड्स है फंक्शन फाई के ऑन आईएथ सब इंटरवल. नाउ डिवाइड द नंबर आई, जो आई आपके पास ये आई चल रहा है आपका 1 2 3 4 अप टू सो ऑन एन तक, इस नंबर को हमने टू क्लासेस में डिवाइड किया. इस नंबर को टू क्लासेस में डिवाइड करने का मतलब जो इस आई की एन तक वैल्यूज है 1 to n, कुछ जो दो क्लास ली, कुछ वैल्यूज फर्स्ट क्लास में जाएंगी और कुछ वैल्यूज इसकी सेकंड क्लास में जाएंगी. हम क्या, हमने क्या कंडीशन लगाई कि जो आई की जो वैल्यूज हैं वो ए में, मीन्स फर्स्ट क्लास है ए, जैसे कि आई में फर्स्ट क्लास में कौन कौन सी वैल्यूज जाएंगी, वो वैल्यूज जाएंगी जिनके लिए कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई लेस देन डेल्टा होगा, और बी में वो वैल्यूज जाएंगी जहां कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल आई आपका ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा होगा. अब इसकी जो भी वैल्यू हो कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल आई की, से इसकी वैल्यू 4 आ रही है, से जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने सपोज किया, और डेल्टा की वैल्यू से 0.2 है, ठीक है. तो कुछ वैल्यूज जो है कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई, अब जो उससे लेस होंगी जहां वो जिन पॉइंट्स के लिए आई के, अब जैसे जैसे हम आई को वेरी करते रहेंगे तो इनकी पॉइंट्स वैल्यूज भी तो चेंज होती रहेंगी ना, आई की, आई को 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, है ना. तो कुछ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो आई, उसके लिए हमने उन आईज को हमने ए क्लास में भेजा है, और जो इस कंडीशन सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उन आईज को हमने बी क्लास में भेजा है. उस एग्जांपल से यहाँ बात नहीं बनेगी क्योंकि वैल्यूज जो है वो चेंजिंग वैल्यूज है, जैसे मैंने यहाँ 4 कहा लेकिन 4 वैल्यूज फिक्स नहीं होगी यहाँ, क्योंकि जैसे जैसे आई चेंज होगा हर एक के लिए वैल्यूज की चेंज होती रहेगी. देन 4 आई बिलोंग्स टू ए, अवर चॉइस ऑफ डेल्टा इम्प्लाइज एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार, जो मीन्स कैपिटल एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार जो है आपका, दिस इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन. ये जो टर्म रहेगी वो क्या हो जाएगी बाय इक्वेशन 1. देखो इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, इक्वेशन 1 थी कि मोड ऑफ फाई ऑफ एस माइनस फाई ऑफ टी लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, व्हेन मोड ऑफ एस माइनस टी आपका क्या रहेगा, लेस देन डेल्टा रहेगा, ठीक है. कि जब इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा तो उन पे फाई अप्लाई करने के बाद उनका डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा. अब यहां हमारे पास लेस देन डेल्टा मींस जब ये कि जब कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई लेस देन डेल्टा होगा, तो जब हम इस पे फाई अप्लाई करें मींस फाई ऑफ कैपिटल एम आई माइनस फाई ऑफ स्मॉल एम आई क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए. अब देखो जो कैपिटल एम आई और जो स्मॉल एम आई जो आपके बाउंड्स चल रहे हैं वो किसके चल रहे हैं, एफ के चल रहे हैं, है ना. और उस पे फाई अप्लाई करने का मतलब तो एच हो गया ना, फाई सर्कल एफ, है ना, क्योंकि इसी के पॉइंट्स पे. तो देखो ना ऊपर ये जो हमने डेफिनेशन दे रखी है, एस और टी पॉइंट किसके लिए रखे हमने, इस इंटरवल के, स्मॉल एम कैपिटल एम के. और ये स्मॉल एम कैपिटल एम इंटरवल है क्या, फंक्शन एफ के बाउंड्स ही तो है ये,
है ना, और यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो आईएथ सब इंटरवल की बात कर रहे हैं जो ये इसके बाउंड्स हैं। तो जब हम इस पे फाई लगाएंगे और जब मींस लिमिटिंग केस में, क्योंकि कैपिटल एमआई और स्मॉल एमआई जो वैल्यूज हैं तो इनफीमम और सुप्रीमम वैल्यूज है ना, लिमिटिंग केस की बात हो गई, तो जो ये वैल्यूज आएंगी फाई अप्लाई करने के बाद वो क्या आ जाएंगी आपकी, कैपिटल एमआई स्टार माइनस स्मॉल एमआई स्टार, दिस इज लेस देन इक्वल टू एप्साइलन। ठीक है, एंड फॉर आई बिलोंगिंग टू बी, अगर आई बी से बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग करने के लिए आपके पास क्या कंडीशन होल्ड कर रही है कि कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई जो डिफरेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा चल रहा है। तो इनके लिए कैपिटल एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार जो है वो क्या हो जाएगा आपका, लेस देन इक्वल टू टू के। ये के क्या है यहाँ, के जो है वो एल यू बी है मोड ऑफ फाइव ऑफ टी का, मीन इसका सुप्रीमम के जो चल रहा है फाइव ऑफ टी का सुप्रीमम चल रहा है। ठीक है, और जो टी जो पॉइंट है वो इस बाउंड्स के पॉइंट्स है, ये सब इंटरवल के स्मॉल एम टू कैपिटल एम। अब देखो जो फंक्शन फाई था उसके जो हमने बाउंड्स ले रखे थे स्मॉल एम आई स्टार और कैपिटल एम आई स्टार, ये बाउंड्स थे वो किस पे थे, आईएथ सब इंटरवल पे थे, एक्स आई माइनस वन एक्स आई पे चल रहे थे। और जो के जो हमने इसका है तो ये भी एक तरीके से जब एल यू बी लिया है तो बाउंड ही है इसका, लेकिन वो किस पे है, इस इंटरवल पे स्मॉल एम टू कैपिटल एम। और आपको पता है इंटरवल जितना बड़ा होता है उसका सुप्रीमम उतना ही बड़ा और इनफीमम उतना ही छोटा हो जाता है। तो देखो हमने ये यहाँ शो भी कर रखा है कि ये इंटरवल आपका छोटा है आईएथ सब इंटरवल, तो इसके बाउंड स्मॉल एम आई स्टार कैपिटल एम आई स्टार, और जो ये इंटरवल है आपका ये उससे बड़ा इंटरवल है तो इसका इनफीमम छोटा होगा और सुप्रीमम उसका बड़ा होगा, तो ये रिलेशन आपका होल्ड करेगा यहाँ, है ना। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है कैपिटल एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार, डिफरेंस क्या होगा, लेस देन इक्वल टू के प्लस के, मींस लेस देन इक्वल टू टू के। और के क्या है, एल यू बी ही है फंक्शन फाई का। नाउ अपर सम माइनस लोअर सम फॉर फंक्शन एच, नाउ दिस इज इक्वल टू, डेफिनेशन लगाओ, दिस इज इक्वल टू समेशन आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन कैपिटल एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार डेल्टा एल फाई। अब जो ये फंक्शन एच है, अब उसके अपर और लोअर सम जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें इसके बाउंड्स चाहिए, हम इसके बाउंड्स वही तो होंगे जो फाई के हैं, क्योंकि एच क्या है, फाई को हम अप्लाई कर रहे हैं ना एफ पे। जैसे एच जो जो भी आपका फंक्शन होता है जिस पॉइंट पे अप्लाई करते हो वो तो पॉइंट्स हो गए, फंक्शन तो आपका क्या है फाई, मीन्स जब बाउंड्स किसके लिखे गए फाई के। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो ये सम था इस सम को हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो टोटल एन वैल्यूज थी वो दो क्लासेस में डिवाइडेड थी ए में और बी में। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू, जो फर्स्ट कैपिटल एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार है, अगर आई जो है क्लास ए से बिलोंग कर रहा है तो वो डिफरेंस आपका क्या चल रहा था, लेस देन इक्वल टू एप्साइलन चल रहा था, और अगर आई जो है क्लास बी से बिलोंग कर रहा है तो ये डिफरेंस आपका क्या चल रहा था, लेस देन इक्वल टू टू के चल रहा था। ठीक है, फिर जो ये सम है ये डेल्टा एल्फाई, अगर ये टोटल होता आई बिलोंगिंग टू ए ना होता, अगर ये आई वेरी करता वन टू एन तो ये सम आपका क्या आता, इंटरमीडिएट वैल्यूज आपकी कैंसिल हो जाती और आपका आता अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। तो अब ये सम जो क्लास ए के लिए है ये टोटल सम से तो लेस रहेगा क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज नहीं है, अगर वैल्यूज सारी है भी तो बी वाला सेट आपका एम्प्टी बन जाएगा, सारी सेट वैल्यूज हैं तो वो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज क्या रहेगा लेस, तभी हमने सिंबल जो लगाया वो लेस देन इक्वल टू का लगाया है। और जो ये सेकंड टर्म है वो हमारी एज इट इज ही चल रही है। अब जो दिस सम, कौन सा सम, समेशन डेल्टा अल्फा आई वेयर आई बिलोंगिंग टू बी, नाउ दिस इस टर्म के लिए 2k into this sum is less than equal to 2k delta, ये हमने टर्म कैसे लिखी है वो अभी बताती हूँ। नाउ और डेल्टा क्या था हमारा, लेस देन एप्साइलन था, तो यहाँ एप्साइलन कॉमन आके ब्रैकेटेड में ये टर्म आ गई। ये टर्म जो है सारी आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है, जिसको टोटल टर्म को हमने एप्साइलन वन से नहीं नोट किया, तो हमारे पास आ गया अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्साइलन वन फॉर फंक्शन एच, मीन्स एच बिलोंग्स टू आर अल्फा। अब देखो जो हमारे पास ये टर्म आ रही थी, कौन सी टर्म थी हमारे पास, अभी जो हम बात कर रहे थे ये रहा हमारे पास कि 2k समेशन डेल्टा अल्फा आई, इस टर्म को हमने लिखा हुआ है, ये टर्म जो है कि 2k डेल्टा से कैसे रिप्लेस किया हुआ है। देखो हम अगर कंसिडर करते हैं डेल्टा ऑफ समेशन डेल्टा अल्फा आई, ठीक है, नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन आई वेरिंग फ्रॉम वन टू बी कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा आई, क्योंकि बी पॉइंट के लिए जो कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा है। ठीक है, नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब दिस सम, इस सम में तो सिर्फ कौन सी वैल्यूज हैं जो क्लास बी से बिलोंग कर रही है, टोटल सम से आपका लेस रहेगा ये जो है, और ये टोटल सम में क्या बन गया, अपर सम माइनस लोअर सम, और अपर सम माइनस लोअर सम हमारे क्या दिया था, दिस इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर, तो ये डेल्टा इनटू दिस टर्म इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल करो तो दिस सम इज लेस देन डेल्टा, इसलिए यहाँ ये जो टर्म है वो डेल्टा से रिप्लेस की हुई है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये आपको, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।